एक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा जीएस क्विज का 29वां क्लास लेके आप सभी के सामने आ चुका हूँ। तो पहले मैं देखना चाहूँगा नोटिफिकेशन गया कि नहीं, पहले बता दीजिए थोड़ा सा मुझे, उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। नोटिफिकेशन गया क्या सर, थोड़ा बताइएगा। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, देखा जाए क्या होता है। कुछ भी बच्चे अगर जुड़ जाएं तो मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूं तुरंत। फटाफट बताइएगा। हेलो, स्टार्ट हुआ कि नहीं थोड़ा सा बता दीजिए मुझे, ताकि मैं क्लास स्टार्ट कर दूं। सर हुआ है क्या ऑनलाइन, अभी तक पता नहीं चल रहा है कुछ भी। फटाफट थोड़ा देख लेता हूँ मैं भी, एक सेकेंड रुक जाइए थोड़ा सा। काफ़ी प्रॉब्लम हो गया है आजकल, अभी भी नोटिफिकेशन को लेकर प्रॉब्लम सेम बना हुआ है, नोटिफिकेशन नहीं जा रही है, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं मुझे, काफ़ी प्रॉब्लम होने के बाद भी क्लास को जारी रखना। नोटिफिकेशन गया क्या, थोड़ा सा चेक कर लीजिए यार, कम से कम चले तो सही, तब पता चले ना। एक बार देखिए सर, चल रहा है क्या, क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा मेरे पास। अरे सर पता तो चले, चलिए चलिए बढ़िया, फिर स्टार्ट करता हूँ मैं क्लास आज का। आज का हमारा 29वां क्लास है, तो जो जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, काफ़ी टाइम लग गया। चलिए हाय हिमांशु, हाय सुगंधी, सुखवीर, चलिए थैंक यू आशीष, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रोटीन के हेलिकल संरचना को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर अनरिवीलिंग द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? ए लिनस पॉलिंग, बी मॉरिस विल्किंस, सी सेंगर और डी वाटसन और क्रिक। चलिए मैं देख रहा हूँ कौन कौन आंसर दे रहे हैं सही। तो जो आंसर सही देंगे, हाय प्रेम, हाय विपुल, जिनका सही आंसर होगा मैं उनका नाम लूँगा। सुनील निषाद आपका आंसर सही है बिल्कुल, और बाकी अभी तक करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है मेरे सामने। चलिए घनश्याम बारी, हाय प्रीति, अभी तक दो आंसर मुझे सही मिले हैं। संदीप चौधरी थर्ड आंसर, हाय अंकित, अनुभव प्रीति। चलिए तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, मैं देख रहा हूँ काफ़ी बच्चों को पता नहीं है इसका। संदीप जोशी, सुनील निषाद, वही आंसर फिर से वापस आ रहे हैं जिन्होंने आंसर सही दिया था, हिमांशु कुमार। चलिए इसका आंसर होगा लिनस पॉलिंग, लिनस पॉलिंग को मिला था हेलिकल संरचना के जानकारी के हिसाब से, और इनका एक बहुत ही फेमस कोट है जो आप लोगों ने कभी सुना होगा, द बेस्ट वे टू हैव अ गुड आइडिया इज टू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज। मतलब अगर आपको एक अच्छा आइडिया चाहिए तो उसके लिए आपके पास बहुत सारी आइडिया होने चाहिए, और इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था फॉर हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है,
प्रवीण प्लीज रिफ्रेश कर लीजिए। प्रवीण आज भी नोटिफिकेशन नहीं गया, इसके वजह से सारा प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया देखने के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लाल शुणांत और एग्रोग बीमारी के उत्पादन से जुड़े होते हैं। रेड रॉट एंड एग्रोग डिजीज आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ, किसके प्रोडक्शन से रेड रॉट और एग्रोग जैसे डिजीज होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए बाजरा और गेहूं, बी मूंगफली और गन्ना, सी गेहूं और मूंगफली, और डी गन्ना और बाजरा। चलिए बहुत बढ़िया, मैं आंसर देखने लगा हूँ। लाल बाबू यादव, अरुण कुमार प्रजापति, शनि रजक, प्रेम प्रकाश, प्रीति गुप्ता, संदीप चौधरी, शनि रजक। इसका आंसर मतलब बहुत बच्चों को पता है, धवल कुमार जट, प्रेम प्रकाश, जीशु मिश्रा, हाय जीशु आप आ गए वेलकम, महेश कुमार, संदीप चौधरी, घनश्याम बारी, आदित्य राय दूरारा, हाय आदित्य। चलिए बहुत अच्छे, शुगर कैनन बाजरा, तो इसका आंसर होगा शुगर कैनन बाजरा। जिन्होंने आंसर डी दिया है वो सही है, और जो गलत दिए हैं प्लीज़ अपना आंसर ठीक कर लीजिएगा। हाय आदित्य, आई एम गुड आदित्य, हिमांशु हाय पूजा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है ये, बैक्टीरिया के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ए हेपेटाइटिस बी, बी पोलियो, सी स्केबीज खुजली, डी यचमा टीबी जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। चलिए इसका आंसर दीजिएगा फटाफट, ध्यान दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। चलिए मैं देख रहा हूँ आंसर आने लगा है काफ़ी बच्चों का, तो मैं नाम ले रहा हूँ अरुण कुमार प्रजापति, लोकेश के, संदीप चौधरी, बिट्टू सिंह, हिमांशु, राज सिंघानिया। चलिए बहुत बढ़िया, संदीप चौधरी, अवधेश चौधरी, छोटू कुमार, अभिषेक शर्मा, राहुल सिंह, सुनील निषाद पौरंक, विजय राम, आप सबके आंसर सही हैं। आदित्य रॉय दुरारा, हिमांशु कुमार, तो जिनका जिनका मैंने नाम लिया उनके आंसर सही हैं। सद्दाम हुसैन, प्रेम प्रकाश, अनंत कुमार, अरुण कुमार प्रजापति। चलिए तो जिन्होंने आंसर दिया ट्यूबरक्लोसिस टीबी जो बीमारी होती है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, यक्षमा बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, हाय सुमन, चलिए आपका आंसर सही था, मंगला सिंह, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा आज का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर फॉर काला अजर डिजीज, काला अजर रोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर है, ए हाउस फ्लाई मक्खी, बी सेंट फ्लाई बड़ मक्खी, सी एडीज मॉस्किटोज एडीज मच्छर, और डी एनोफिल्स मॉस्किटोज मलेरिया के मच्छर। काला अजर रोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर है। चलिए आंसर इसका भी आने लगा है, और पहला आंसर जो जिन्होंने दिया है सही उनका नाम मैं ले रहा हूँ, प्रशांत पाल, आदित्य रॉय दुरारा, वेरी गुड आदित्य, यू आर गोइंग वेरी वेरी वेल, दास संजय 591, प्रशांत पाल, आशित कामिला, हेमंत जंगीद, संदीप चौधरी, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया, जय हिंद, महेश कुमार। चलिए बहुत 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 बढ़िया, मतलब काफ़ी बच्चों का आंसर इसमें सही आया है, मैं नाम नहीं ले पाया इसके लिए सॉरी। राज सिंघानिया,
अनंत कुमार मंगला सिंह, तो जिन्होंने लिखा सैंड फ्लाई बड़मक्खी, उनके आंसर सही हैं। और जिनका जिनका आंसर गलत था प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। और मैं नाम नहीं ले पाया उसके लिए सॉरी, क्योंकि सबका नाम मैं नहीं ले सकता, टाइम भी बहुत कंजम्पशन होता है उसका, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एडवांस्ड देन द अदर थ्री। कार्बनिक विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में अधिक उन्नत है? ए चमगादड़ बैट, बी कबूतर पिजन, सी शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच, और डी गिद्ध वल्चर। फटाफट बताइएगा इसका भी आंसर, और इसका भी आंसर काफ़ी बच्चे देने लगे हैं, तो मैं नाम लेने वाला हूँ। प्रमोद सोनी द फर्स्ट वन हु गेव द करेक्ट आंसर इज प्रमोद सोनी। आदित्य रॉय दुरारा, आदित्य आपका अभी तक सारा आंसर सही आया है, बहुत अच्छे। महेश कुमार, अशित कामिला, अनुभव प्रीति, अंजलि कुमारी, जितेंद्र दुबे, बलजीत सिंह, नीरज कुमार, योगेश जेवाक, राहुल सिंह, बबीता दास, अभिषेक शर्मा, यू गाइज आर वंडरफुल, संदीप चौधरी, सुखवीर थलोर, प्लीज़ आंसर दीजिए सुखवीर, छोटू कुमार, मंगला सिंह, प्रेम प्रकाश, सनी रजक, नितिन श्रेषा, राहुल, आप सभी के आंसर सही हैं। निर्मल देवनाथ आपने तो लिख भी दिया, चलिए बहुत अच्छे। योगेश जेवा के मैंने आपका नाम लिया था। गौरव अभिषेक, चलिए आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, कोई बात नहीं। सुधीर कुमार मैंने आपका भी नाम लिया था, चलिए बहुत बढ़िया। तो जिन्होंने बैट लिखा, बैट चमगादड़, कार्बनिक विकास के संदर्भ में चमगादड़ है जो अन्य तीनों की तुलना में सबसे उन्नत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है हमारा आज का छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नाइट ब्लाइंडनेस कैन बी करेक्टेड बाय द इनटेक ऑफ। रात का अंधापन इनमें से किसके सेवन से ठीक किया जा सकता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सी विटामिन सी, और डी विटामिन डी। चलिए इसका भी आंसर आने लगा है, और मैं नाम ले रहा हूँ लगातार, बिट्टू सिंह, हेमंत जांगिद, संदीप चौधरी, अनुभव प्रीति, सुनील सिंह यादव, मोहम्मद सज्जाद हुसैन, रोहित कुमार, अंजलि कुमारी, मीनू कुमारी, प्रीति गुप्ता। मतलब मैक्सिमम इट्स 98 to 99% आई हैव गॉट द करेक्ट आंसर। बहुत ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छा आप लोग जा रहे हो। प्रमोद सोनी, संदीप जोशी, अमरजीत यादव, सुनील सिंह, बहुत अच्छे कर रहे हैं आप लोग सर। मतलब कभी कभी मुझे बहुत प्राउड फील होता है खुद को कि मैं आप जैसे स्टूडेंट लोगों के साथ जुड़ पाया। चलिए इसका आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए के सेवन से रतौंधी खत्म हो जाती है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस रात का अंधापन दूर हो जाता है विटामिन ए के सेवन से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा आज का सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द एंजाइम्स इज फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा। मानव के लार में इनमें से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ए ट्रिप्सिन, बी पित्त का एक प्रधान अंश, सी टाइलिन, और डी रेनिन। फटाफट आंसर दीजिएगा इसका भी, मैं देखना चाहता हूँ किसका किसका आंसर सही हो रहा है। तो मैं नाम ले रहा हूँ रंजीत, रोहित कुमार, अभिषेक विश्वास, महेश आनंद, महेश कुमार, रंजीत सरकार, अरविंद कुमार। इनका आंसर अभी तक सबका सही है, धवल कुमार जट, छोटू कुमार, देव सिंह, अनीता, हेमंत जंगिद, आदित्य राय दुरारा, प्रीति गुप्ता, महेश मीन, अनुभव प्रीति, राज सिंह, सोनू कुमार राम, छोटू कुमार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए
तो मुझे मैक्सिमम आंसर मिल गया सही, तो इसके ऊपर टाइम वेस्ट करना आप ठीक नहीं होगा। तो जो जो बच्चों ने आंसर दिया है, टाइलिन दैट इज करेक्ट आंसर। मानव के लार में थूक में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जिनका जिनका गलत हुआ है प्लीज़ इसको ठीक कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस इन नर्व फाइबर ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर के तंत्रिका तंतुओं में तंत्रिका आवेगों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? ए कैल्शियम, बी आयरन, सी सोडियम और डी जिंक जस्ता। चलिए मैं देखना चाहूँगा आंसर आ रहा है, और एक बार मैं बोलूँगा जो जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल के साथ, प्लीज़ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अभी तक मुझे पता है नोटिफिकेशन नहीं गया है बहुत बच्चों के पास, तो हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन बच्चों तक पहुँच पाए जिनको ये सुविधाएँ ट्यूशन की कोचिंग की सुविधाएँ नहीं मिलती। ठीक है, तो चलिए मैं आंसर देख रहा हूँ किसका किसका आंसर सही है। पवन रायचंद, संदीप चौधरी, योगेश जेवाके पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बता रहे थे। योगेश काफी इसमें, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हैं। दिनेश वर्मा, संदीप चौधरी अगेन, सुधीर कुमार, रेखा पंवार, हिमांशु चौधरी, आपका आंसर गलत है, मैं इसलिए आपका नाम नहीं ले रहा था, सॉरी। हाँ ब्रजेश, आज भी नहीं गया नोटिफिकेशन। लखन चौधरी, आपका आंसर सही था लखन। चलिए प्रियंका मिश्रा, वेरी गुड प्रियंका। अफजल आलम, बहुत अच्छा अफजल। चलिए तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा सोडियम। मानव शरीर के तंत्रिका तंतुओं में तंत्रिका आवेगों के संरक्षण के लिए सोडियम तत्व आवश्यक होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस इन नर्व फाइबर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज सोडियम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नौवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन होता है कहाँ? इन ह्यूमन बॉडी द रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन वेयर? ए जिगर, बी स्वैच्छिक मांसपेशियां वॉलंटियर मसल्स, सी पेनक्रियास अग्नाशय और डी मज्जा बोन मैरो। तो फटाफट दिखाइएगा। और आंसर मैं देख रहा हूँ काफ़ी बच्चों का आंसर सही आ रहा है इसमें भी। मैं नाम लेना चाहूँगा लखन चौधरी, आप बहुत अच्छे जा रहे हो। आदित्य तिवारी, लखन, प्रीति गुप्ता, निर्मल देवनाथ, देव सिंह, अमित जायसवाल, सूर्या श्रवण, संदीप चौधरी, जड संदीप चौधरी, आपका मेरे ख्याल से एक छठा या सातवां क्वेश्चन मैंने देखा आपका सही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया जा रहे हो आप। मीनू कुमारी, प्रवीण कुमार, अनुभव प्रीति, आपका भी बहुत काफ़ी आंसर सही आ रहा है अनुभव। सनी रजक, रवि भूषण गुप्ता, आशुतोष, सूर्य प्रकाश विश्वकर्मा, बहुत अच्छे सूर्या, हेमंत जांगी, विकास कुमार महतो, बहुत अच्छे आप लोग, बहुत अच्छा जा रहे हो, बहुत अच्छे सार आदित्य रॉय दुरारा, आपका भी आंसर सही है, ऑल इज देयर, बहुत अच्छा। चलिए तो मुझे मैक्सिमम आंसर मिल गया, बोन मैरो इज द करेक्ट आंसर। मज्जा जो होता है वो लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है मानव के शरीर में, ठीक है। बोन मैरो इज द मेन रीजन ऑफ रेड ब्लड सेल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दसवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बीटी ब्रिंजल मतलब बीटी बैगन बीटी कपास के रूप में अनुवांशिक रूप से बैगन और कपास को संशोधित करने का उद्देश्य उन्हें बनाना था। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ता हूँ। द पर्पज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइंग ब्रिंजल एंड कॉटन एज बीटी ब्रिंजल बीटी कॉटन वाज टू मेक देम।
किसके लिए? बीटी ब्रिंजल बीटी कपास के रूप में अनुवांशिक रूप से बैगन और कपास को संशोधित करने का उद्देश्य किसके लिए बनाया था? द पर्पज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइंग ब्रिंजल एंड कॉटन एज बीटी ब्रिंजल बीटी कॉटन वॉज मेक देम फॉर ए सूखा प्रतिरोधी, बी उच्च उपज, सी कीट प्रतिरोधी और डी लघु अवधि फसलों। रवि भूषण गुप्ता, नाम मैंने लिया लेकिन आपका आंसर गलत है सर। शाह पटेल, जिसका आंसर मुझे सही मिला राज सिंह साहब पटेल। अभी तक दो आंसर मुझे सही मिले हैं, सुनील निषाद पोरांक, रमेश बाइकड, संदीप चौधरी साहब पटेल, बहुत बढ़िया साहेब, छोटू कुमार, विनय कुमार, रमेश बैकद, राम कुमार चौधरी, मनोज कुमार, शेख नूरुल हसन। चलिए बहुत बढ़िया, अरुण कुमार प्रजापति। संदीप चौधरी, छोटू कुमार। चलिए मैं इसका आंसर देता हूँ, शकील खान। प्रियंका मिश्रा, आपका बहुत बहुत बढ़िया, आप जा रही हो, बहुत अच्छी कर रही हो आप लोग। चलो मैं इसका आंसर देता हूँ, इसका आंसर होगा पेस्ट रेजिस्टेंस, कीट प्रतिरोधी के रूप में यूज़ करने के लिए बीटी ब्रिंजल और बीटी कपास का अनुवांशिक किया गया था बैगन और कपास को संशोधित करके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मैं बोलना चाहूँगा जो जो बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं प्लीज़ उसको ठीक कर लो। रोहित पाल, आपका मैं नाम ले रहा हूँ लेकिन आपका आंसर गलत था सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द साइंटिस्ट रिसेंटली एस्टिमेटेड द एज ऑफ द मून अराउंड ब्लैंक बिलियन ईयर्स। वैज्ञानिकों ने हाल ही में चंद्रमा की उम्र कितने अरब वर्षों के आसपास अनुमान लगाया? ए 4.36 बिलियन, बी 3.36 बिलियन, सी 5.34 बिलियन और डी 7.54 बिलियन। धवल कुमार जट, मेरा सही रहा, बहुत बढ़िया धवल। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आंसर आने लगा है काफ़ी, तो मैं नाम ले रहा हूँ, अरुण कुमार प्रजापति, साहब पटेल, आदित्य रॉय दुरारा, छोटू कुमार, प्रेम प्रकाश, राज सिंह, मनोज कुमार, मनीष सिंह गुज्जर, बहुत बढ़िया, विपुल कुमार, सूर्य श्रवण, मोहम्मद शकील, महेश कुमार, साहब पटेल, पवन रायचंद, धीरेन्द्र मौर्य, मुझे समझ में नहीं आया धीरेन्द्र, आनंद कुमार गुप्ता, मनीष सिंह गुर्जर, मैंने आपका नाम दोबारा ले लिया फिर से। चलिए धीरज मौर्य, देव सिंह, बबीता दास, अजीत कुमार, काफ़ी आंसर मुझे सही मिले इसमें, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ। 4.36 बिलियन इज़ द करेक्ट आंसर, तो जो जो बच्चों ने 4.36 दिया वेरी गुड, और जिन्होंने गलत किया प्लीज़ इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है सर, मराठी के का भी सिम होगा क्या सर पेपर में? सर मराठी का भी होता है क्या पेपर? मराठी में पेपर आता है क्या? हाँ धीरेन्द्र मौर्य, आपको मराठी में भी सिम मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 12वां क्वेश्चन। Which one of the following are infected by foot and mouth disease? निम्नलिखित में से कौन सा पैर और मुंह की बीमारी से संक्रमित होता है? A बिल्ली, B मवेशी, C कुत्ते और D मुर्गी पालन। यहाँ मुर्गी होना चाहिए था। चलिए फटाफट बताइएगा इसका भी आंसर। Which one of the following are infected by foot and mouth disease? कैट, कैटल, डॉग और पोल्ट्री। तो आंसर आने लगा है, तो मैं नाम ले रहा हूँ, सुष्मिता सिंह। जी हाँ गर्व से मैं बिहारी हूँ। चलिए आंसर आने लगा है, तो मैं नाम ले रहा हूँ जिसका इसका आंसर सही है, ध्यान दीजिएगा सभी। रेखा पंवार, संदीप चौधरी,
चांदकी राम, विकास कुमार, रीमा मंडल, शैलेश पटेल, कुमार हर्षवर्धन, अंकित, विश्वबंधु पटेल, राज सिंह, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो। लखन चौधरी, लोकेश के, अंकित, अशित, तो देर, छोटू कुमार, प्रमोद कुमार, गजानन माने, वेलकम गजानन, थोड़ा लेट हो गए आप। संदीप चौधरी, या मैंने लेट से देखा, हो सकता है मे बी। सूर्य श्रवण, ब्रिलियंट सूर्य सेन, बहुत अच्छे। सूर्य प्रकाश, विश्वकर्मा, आप सभी का ऐसे सही है। प्रियंका मिश्रा, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। ईशानी ईशानी, सबका आंसर सही है। धवल कुमार, हाँ अब आप सही आए हैं, बी आंसर होगा इसका, तो दैट इज केटल, मवेशी, जो जानवर होते हैं वो पैर और मुंह की बीमारी से संक्रमित होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और एक बार मैं फिर से बोलना चाहूँगा, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो इसे शेयर कर दें, ताकि उन बच्चों तक पहुँच पाए जिनके पास ट्यूशन कोचिंग लेने की सुविधाएं नहीं हैं। ठीक है, हाँ चलिए। सूर्य श्रवण, बहुत बढ़िया, वैसे हम लोग फर्स्ट इंडियन पहले हैं, उसके बाद सभी हैं, ठीक है। एक बिहारी सौ पे बारी, चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन से बढ़ते हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉजेज मलेरिया, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मलेरिया का कारण बनता है? ए बैक्टीरिया, जीवाणु, बी फंगस, कुकुरमुत्ता, सी प्रोटोजोआ, और डी वायरस। तो इसका आंसर तो मुझे लगता है कि सबका सही होना चाहिए, और आंसर आने लगा है तो मैं नाम ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं जिसका नाम ले रहा हूँ उसका ध्यान दीजिएगा। रीमा मंडल, रीमा मंडल, मोदक, जगन्नाथ, अबानी, बरुआ, आप लोगों के आंसर सही है। संदीप कुमार, बहुत बढ़िया संदीप। प्रिया कुमारी, कुमार हर्षवर्धन, कुमार हर्षवर्धन आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अंकित खन्ना, छोटू कुमार, संदीप चौधरी, प्रीति गुप्ता, ये कॉमन नाम हो गए हैं जो आंसर सही देते हैं, बहुत बढ़िया। सूर्य श्रवण, सोनू ओबेरॉय, सुनैना राठौर, बबीता दास, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत अच्छे जा रहे हो। अंकित शर्मा, भूपेंद्र भट्ट, रवि भूषण गुप्ता, प्रवीण कुमार ने लिखी दिया, चलिए प्रोटोजोआ इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉजेज मलेरिया, दैट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ है जो जीव मलेरिया का कारण बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा वसा का सबसे गरीब स्रोत है, मतलब सबसे कम फैट उसमें होता है? विच अमोंग द फॉलोइंग इज पुअरेस्ट सोर्स ऑफ फैट, ए कर्ड, दही, बी एग, अंडा, सी फिश, मछली, और डी दूध। तो इसका भी आंसर सही आना चाहिए था। जयंत राजपूत, हाँ बहुत अच्छे जयंत, इसका आंसर दीजिएगा प्लीज। और आने लगा है आंसर, लेकिन चलिए बहुत बढ़िया। अंकित शर्मा, आनंद कुमार गुप्ता, अंकित शर्मा, रेखा पवार, सौगत बनर्जी, धवल कुमार जट, सर मेरा नाम नहीं लेते, धवल मैं लेता हूँ अगर मुझे दिख जाता है तो। चलिए अजीत मिश्रा, अबनी बरुआ, रेखा पवार, आप लोग बहुत अच्छा जा रहे हो। विकास कुमार, जाट साहब, सागर खुराना, अंकित शर्मा, चलिए बहुत बढ़िया। आदित्य राज दुरारा, रेखा पंवार, आपका नाम बार बार आ रहा है। अबनी बरुआ, आपका भी नाम, आप लोग बहुत अच्छा जा रहे हो और आप लोग के आंसर भी काफ़ी हद तक सही जा रहे हैं। जयंत राजपूत, चलिए तो इसका आंसर मैं दे देता हूँ। मछली को छोड़कर इसमें सभी के पास काफ़ी फैट होते हैं, कर्ड, दही, दूध, अंडा, इसमें बहुत फैट होता है। फिश इज द ओनली जिसमें फैट कम होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन। तो जो जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। वैसे नोटिफिकेशन आजकल जा नहीं रहा है,
तो हो सके तो आप लोग 10:15 to 10:30 जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, द रिलीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू पॉन्स एंड विल्स हेल्प इन कंट्रोलिंग मॉस्किटोज। तालाबों और कुएं में निम्नलिखित में से कौन सा रिहाई मच्छरों को रिहाई से या नियंत्रित करने में मदद करता है? ए क्रैब केकड़ा, बी गंबिसिया फीसा, और सी छोटी शार्क, और डी घोंगा। चलिए फटाफट इसका भी आंसर दे दीजिएगा, और आंसर काफ़ी आ रहा है, काफ़ी हद तक बहुत बहुत बढ़िया। प्रीति गुप्ता, ईशानी ईशानी, प्रियंका मिश्रा, विजय तिवारी, बहुत अच्छे आप लोग जा रहे हो। महिपाल महिपाल, सर मुझे भूल गए क्या? नहीं महिपाल, कैसे भूल जाऊंगा। बहुत सही आप लोग, बहुत अच्छे जा रहे हो। रिस्क जी, ले लिया मैंने नाम सर आपका भी। चलिए मैक्सिमम आंसर सही है, 90 up to 96%। आई हैव गॉट इट द करेक्ट आंसर फ्रॉम ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा आज, जब इतने बच्चे सही आंसर देते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है एकदम। चलिए गंबुशिया फीसा को डाला जाता है तालाब और कुएं में मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से मिलने का वादा करते हुए आज फिर मैं जाता हूँ। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और मैं एक बार फिर से नाम ले लेना चाहूँगा, कुछ बच्चे बहुत अच्छे जा रहे हैं, विक्रम जायसवाल, कविता मौर्य। चलिए मैं आज आप लोग का नाम भी ले लेता हूँ, मैंने आज जल्दी क्लास ख़त्म कर दिया है। पंकज कुमार, बहुत अच्छे पंकज, महिपाल महिपाल, हाँ महिपाल आपका सही था, चलिए बहुत अच्छे। संदीप चौधरी, थैंक्स फॉर इट एफर्ट, मुझे भी थैंक यू बोलना चाहिए संदीप, आप लोग बहुत अच्छे जा रहे हो, और मुझे लगता है कि इस बार आप लोग जरूर क्लियर कर दोगे। सोनू ओब्रॉय, सर मेरा भी नाम लीजिए प्लीज़, मैंने नाम ले लिया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, सॉरी अगर मैं नाम ना ले पाया किसी का, मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि सबका नाम ले लूँ, लेकिन नहीं हो पाता। तो अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए हमेशा, मुस्कुराते रहिए, तैयारी अच्छे से करिए। गुड नाइट।